क्या समस्या है पानी को लेके? पानी नहीं मिला और का है? हाँ? पानी नहीं मिला पता जब से नहीं मिला बहुत बराजरी की मुड़े देवकार से छान छान के पी कर। समस्या क्या है गांव में पानी की? क्या दिक्कत क्या है पानी की? ये वही गंदा पानी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? वही पूरे बोटों की बराजरी से। कौन कह रहा है? कौन पूछ रहा है आप? ये जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चल रही ना, ये बोलते हैं वोट कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। उस इस तरह से वो पहले तो 17 तारीख से पहले तो वोट चल रहा था। 17 तारीख वोट डालने के बाद वो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो गया, कम हो गया, इसलिए पानी भरना बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं पानी भरना है तो बच्चों का ईमान करो, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। आपने वोट दिया होगा तो पानी भरने देंगे, अंत पानी नहीं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को लोकतांत्रिक तरीके से मतदान संपन्न हुआ, लेकिन मतदान के बाद अशोकनगर जिले के नयाखेड़ा गांव के एक विशेष समुदाय के लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव के विशेष समुदाय के लोगों ने गांव के ही दबंगों पर पीने के पानी की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पानी भरने जाते हैं तो कसम खिलाकर उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसको वोट दिया। जो है ग्रामीणों की आरोप है कि उनके लिए पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो कुआ है जिसमें बोर से पानी आता है वो दबंगों द्वारा रोक लिया गया है। हम इनसे ही चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है इनको। पानी नहीं है, पानी की जात है से भरा नहीं देखे दे, मोड़ा की मान कर दो भले जा फूल में बोटता है यहाँ का संकेत करना दाए ना वही मान कर मर्जी पर ही जेता दाए वोट कोई क्या का डर आएगा का खुशी पर डालना डालना नहीं डालने की बात पानी नहीं भरा देना भगा दे था। कौन कौन पूछता है ऐसा के वोट किसको? कलावती के थे मोड़ा की मान कर जाओ भले जाओ फूल में दाए यहाँ का। आपके जो यहाँ पे कुआ है इसमें भी पानी है जो है पानी जब वोट डरे जैसे बंद कर दो वोट डालने के बाद से पानी बंद। हाँ बंद है बिल्कुल। अभी कैसा पानी पी रहे हैं? जो ही पानी पी रहे हैं हम जो 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 हम भर लो जो बड़े कुआ भर जो एक सौ पानी भर जो भर कला मथनिया को भर के बताओ ऐसे ही भर। शिकायत की गई पर नहीं करी हमने नहीं करी। आपके गाँव वालों ने कहीं पे किसी अधिकारी से शिकायत नहीं करी? शिकायत क्यों नहीं की आप लोगों जब समस्या? अब मैं तो सब बीमार डर अभी उठ जा रही हूँ नहीं करी शिकायत। और लोग भी हम इनसे चर्चा करेंगे। भैया ये जो समस्या है पानी को लेके कब से है और क्या कुछ कहना है? सर जो तो अभी अब ऐसा बंद है ज्यादा तरह के 20 दिन के समथिंग, और जब से ही ये बोर मोर बंद है मान लो कुएं में पानी आना जाना बंद है। और पहले तो हालांकि बढ़िया समस्या चली थी बढ़िया चल रहा हो तो पानी, लेकिन जब से वोट मोट डले हैं ये मान लो जो क्या है एक दूसरे की विरोधी पार्टी हो रही ना उस चक्कर में बंद कर दे गए और कुछ नहीं। अभी पानी कहाँ से लाते फिर? अभी पानी जयी है इसमें से है एक कुआ और है वो बड़ा कुआ बोले जाते है वो लोधी समाज में है उससे भी ऐसे ही पानी निकलता है इससे भी ऐसे ही निकलता है सब बंदे। उसमें बता रहे कि बीच में पाइप फूट गया इसलिए गंदा पानी आ रहा था अब तो साफ आ रहा है। भाई पहले भी तो नहीं फूटते पाइप लाइन अब ही क्यों फूटी है? पहले भी तो नहीं फूटती 10 साल से आज ही क्यों मुझे पाइप लाइन फूटने लगी वोट डालने के बाद में? पहले से भी तो फूटना चाहिए। और ग्रामीण हम इनसे पूछते हैं क्या कुछ है समस्याएं क्या शिकायत वगैरह की हुई है। भैया क्या नाम है आपका? बुंदेल सिंह। क्या समस्या क्या है गांव में आपका? पानी की। तो क्या दिक्कत क्या है पानी की? ये वही गंदा पानी पी रहे हैं। क्या कारण है? ये वही वोटों की बराजरी से। कौन कह रहा है वोट की? कौन पूछ रहा है आपसे? ये जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चल रही ना, ये बोलते हैं वोट कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। उस इस तरह से वो पहले तो 17 तारीख से पहले तो वोट चल रहा था। 17 तारीख वोट डालने के बाद वो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो गया कम हो गया इसलिए पानी भरना बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं पानी भरना है तो बच्चों का ईमान करो, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। आपने वोट दिया होगा तो पानी भरने देंगे, अंत पानी नहीं। इधर गांव के विशेष समुदाय के लोगों के आरोपों के बाद एमपी तक बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष से आरोप पर प्रतिक्रिया लेने पहुंचा तो उनका कहना था कि बोरवेल उन्होंने अपनी निजी जमीन पर लगवाया था जिसका पानी सभी समाज के लोग पी रहे थे, अब पानी नहीं आ रहा है तो विशेष समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर पैसे बांटने का भी आरोप लगा दिया। मैंने मेरी जमीन में लगवाया था और जनता की सेवा भी की है मैंने, आज जनता को अच्छा नहीं लग रहा है पानी नहीं निकल रहा तो क्या कहते शिकायत करने लगे हैं। वो कुछ नहीं है चुनाव की वजह से शिकायत कर रहा है, जो सामने वाले ने पैसा दे दे 500-500 रुपए में बिक चुके हैं साले और आज मेरे ऊपर मतलब शिकायत कर रहे हैं। किसने पैसे दे दिए? कांग्रेस पार्टी वाले ने, रामपाल ने खुद बांटे पैसे, रामपाल लोधी है उसने पैसे बंटवाए हैं।
आज वो उनकी उनकी तरफ पलट गए, कल हमारी तरफ पलट गए। जब मैंने इनकी इतनी सेवा करी, जब ये मेरे नहीं हो पाए तो ये किसी के नहीं हो सकते हैं। मैंने इनकी खूब सेवा करी अच्छी तरह। वही है हरिजन समाज है और का बंसकर समाज है, इन्हें की मैंने ज्यादा सेवा करी है, आज वही वो बन रहे हैं। कुछ नहीं, हमने 4-5 महीना पहले वो लगवाया था, मंत्री जी ने लगवाया था और जनता के लिए लगवाया था और जनता के लिए पानी भी पिला रहा, जब से ऐसी बात नहीं है। खुद हमारी लोधी समाज नहीं पी, पूरी हरिजन समाज, बंस का समाज, सब नीची जातन की सेवा कर रहा है। आज इसमें पानी नहीं निकल रहा तो शिकायत करने लगे, पानी निकल ही नहीं रहा। एमपी तक ने पूरे मामले में चंदेरी के नायब तहसीलदार से भी बात की, उनसे आरोपों पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ है मुझे मालूम नहीं, मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, हमें भी कसम खिलाकर पानी भरने वाली बात मीडिया के जरिए मालूम हुई। तो जो कुएं में जो बोर से पानी आ रहा है तो कुएं में पानी आ रहा है और 3 कुओं में बोर से पानी आता है, तो इस प्रकार की कोई अभी पानी की समस्या नहीं है। सर, कोई कसम खिलवाई जा रही थी, कसम? अब वो राजनीतिक जो भी कारण हो उसका मुझे पता नहीं है। नहीं, शिकायतकर्ता भी हमें नहीं मिला है, सब पेपरों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से शिकायत का पता पड़ा, शिकायतकर्ता तो नहीं मिला। लेकिन गांव में आके मैंने देखा तो ये जो बोर था ये अतिक्रमण में बाउंड्री के अंदर था, तो इसको अतिक्रमण हटा के अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मतलब जो समस्या थी वो सही थी, समस्या जो शिकायत थी वो पेपर में आई थी वो सही थी, उसको आज समस्या का निराकरण किया गया है। तो बीजेपी उपाध्यक्ष कलावती लोधी का कहना है कि मंत्री जी ने 4-5 महीने पहले बोरवेल लगवाया था जिसका पानी लोधी समाज के साथ साथ विशेष समुदाय भी ले रहा था। अब जब बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है तो विशेष समुदाय के लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि राजनीति के चक्कर में ये सब करवाया जा रहा है, कांग्रेस ने पैसे बांटकर ये सब करवाया है। फिलहाल जिम्मेदार ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, पर सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन।